इंडियन मार्केट में जबरदस्त तेजी के साथ विकास होता दिख रहा है और सिर्फ 6 महीने के अंदर $1 ट्रिलियन का साइज करने में कामयाब रहा है, जो कि एक ऐतिहासिक पल से कम नहीं। वहीं बाजार ने पिछले 11 में से 8 सेशन में नया हाई लेवल का रिकॉर्ड बनाया है और यही कारण है कि लगभग हर सेशन में बाजार नया रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। इस शानदार रैली ने बाजार को एम कैप के मामले में भी रिकॉर्ड बनाने का मौका दिया है। भारतीय शेयर बाजार पर लिस्टेड सभी कंपनियों का कंबाइंड मार्केट कैप सिर्फ इस साल लगभग 25% बढ़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो साल 2024 में अब तक भारतीय बाजार के एम कैप में 24.5% की बढ़ोतरी आई है और ओवरऑल साइज अब $5.23 ट्रिलियन पर पहुंच गया है। और इसी के साथ ही भारत अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन चुका है और $5 ट्रिलियन क्लब में पहले से मौजूद अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग की कतार में शामिल हो गया है। उसी दौरान दूसरे सबसे बड़े शेयर बाजार चीन को एम कैप में $1.06 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। इंडियन मार्केट एक दिन पहले भी नया ऑल टाइम हाई बनाने में कामयाब हुआ था। 26 जून के कारोबार में सेंसेक्स ने 78,759 अंक का और निफ्टी ने 23,889 अंक के आसपास का नया उच्च स्तर बनाया। यही पिछले 11 में से 8 सेशन में सेंसेक्स और निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई लेवल का रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ जून महीने में ही बाजार में 6% से ज्यादा की तेजी दर्ज की जा चुकी है। अगर इंडियन मार्केट की यही रफ्तार रही तो जल्द ही ये दुनिया की सबसे मजबूत मार्केट कहलाई जाएगी। आप क्या इस बात से एग्री करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपने इस राय के बारे में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।